हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जॉब भंडार पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PNB PON भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत भर्ती निकली है, पोस्ट है PON। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर टोटल 315 वैकेंसीज है, जिनके लिए मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम 12वीं पास का होना जरूरी है। दोस्तों, अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आपका सिलेक्शन बिना किसी एग्जाम, बिना किसी इंटरव्यू, सीधा मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करानी होगी। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अब मैं आपको PNB PON भर्ती 2021 की कंप्लीट डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब नेशनल बैंक, पोस्ट है PON, जिसके लिए 315 वैकेंसी निकली है। 18 से 24 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में कम से कम 12वीं पास का होना जरूरी है। सिलेक्शन की अगर बात की जाए, सिलेक्शन आपका बिना किसी एग्जाम, बिना किसी इंटरव्यू, सीधा मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। सैलरी आपको मिलने वाली है 14,500 से 28,145 रुपये पर मंथ। अगर बात की जाए अप्लाई मोड के बारे में, तो आप इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। बात कर लेते हैं लास्ट डेट के बारे में। लास्ट डेट आपको यहाँ पर सर्कल वाइज प्रोवाइड करा रखी है, जो कि इस प्रकार है। पंचकूला सर्कल के लिए लास्ट डेट 1/3/2021 है। अमृतसर सर्कल के लिए 4/3/2021। जींद एंड केथल सर्कल के लिए 1/3/2021 लास्ट डेट है। कोल्हापुर सर्कल के लिए 3/3/2021 लास्ट डेट है। मोगा सर्कल के लिए 3/3/2021। करनाल सर्कल के लिए 1/3/2021। होशियारपुर सर्कल के लिए 1/3/2021 लास्ट डेट है। फजिलिका सर्कल के लिए 26/2/2021 लास्ट डेट है। हरियाणा सर्कल के लिए 4/3/2021 लास्ट डेट है। रोहतक सर्कल के लिए 3/3/2021। बढ़ते हैं आगे की ओर। सूरत सर्कल के लिए 1/3/2021। बेंगलुरु ईस्ट सर्कल के लिए 1/3/2021। बैलोसर सर्कल के लिए 1/3/2021। हिसार सर्कल के लिए 26/2/2021। बेंगलोर वेस्ट सर्कल के लिए 27/2/2021 लास्ट डेट रखी गई है। चेन्नई सर्कल के लिए 22/2/2021 लास्ट डेट रखी गई है। दोस्तों, जिस सर्कल के लिए यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है, उसी सर्कल से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.pnbindia.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अभी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको उसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और फिर एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है ऑफिशियल एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले। ऑफिशियल एड्रेस आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।